नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत और जर्मनी के रिश्तों की। क्यों यूरोप का इतना बड़ा देश भारत की तरफ ताक रहा है? यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में है और हम इस साल G20 की मेजबानी भी कर रहे हैं, तो दिल्ली खास फोकस में है। साल भर के भीतर दो ऐसे मौके आए जब लगा क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे न्यूज के लिहाज से ये आशंका ज़्यादा छाई रहती है, लेकिन कई बार ज़मीनी हकीकत भी इस तरफ इशारा करती है। पुतिन तो खुलेआम धमकी दे चुके हैं कई बार। उधर चीन ने ताइवान को घेरकर जो मिलिट्री ड्रिल किया, उससे भी भारत को फोकस में लाकर रख दिया। फिलहाल यूरोप और अमेरिका दो महाशक्तियों से लड़ रहे हैं, यानी किससे लड़ रहे हैं? रूस और चीन। रूस के साथ सिर्फ जंग नहीं चल रही, बाकी आर्थिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रतिबंधों समेत सारे हथियार चलाए जा रहे हैं यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। उधर चीन के साथ यूरोप और अमेरिका दोनों शीत युद्ध लड़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक में समुद्र की लहरों के बीच चीन और अमेरिका के जंगी जहाज कब टकरा जाएं, ये कहना मुश्किल है। ताइवान की खाड़ी में पिछले 10 दिनों के भीतर 2 बार ऐसे मौके आए जब टक्कर होते होते बची। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक जंगी जहाज चुंगहुन, नाम भी रखा है चीन की तरह, वो पेट्रोलिंग पर था और बहुत तेज़ी से चीनी नौसेना का जहाज ओवरटेक करते हुए निकल गया। अभी 2 दिन पहले आपने एक विजुअल भी देखा होगा। अमेरिकी कमान ने चेतावनी दे दी तो चीन ने भी चेतावनी दे दी। उधर कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश भी चीन के रवैये से परेशान हैं, लेकिन आर्थिक ज़रूरतों के चलते ब्रेकअप के मूड में नहीं है चीन के साथ। अब इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशनिंग देखिए, मतलब ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक और सामरिक दृष्टि से हम जो है अहम हो जाते हैं। भारत जिस इलाके में अमेरिका उलझा हुआ है उसका नाम ही इंडो पैसिफिक है, जिसे हिंदी में हम भारत प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा हम वो हैं जिसकी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। हम वो हैं जो डोकलाम से गलवान तक चीन का जवाब उसी की भाषा में देने लगे हैं। हम इंडो पैसिफिक के 16 देशों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं, ये आपने हाल में देखा होगा पापुआ न्यू गिनी में, जब नरेंद्र मोदी वहाँ उतरते हैं और वहाँ के पीएम कैसे उनके पांव छूते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक ताकत को दिखाता है। तो स्वाभाविक है कि अमेरिका और यूरोप इस बात पर ध्यान न दें कि हमारे रिश्ते रूस के साथ अच्छे क्यों हैं, क्योंकि उनको मतलब रखना है तो चीन से निपटने के लिए, तो हमसे रखिए। हमारी दोस्ती रूस से क्यों है, इसको मत फोकस में रखिए। खैर, इसी के मद्देनजर हाल ही में आए 2 रक्षा मंत्रियों के दिल्ली दौरे की चर्चा करूंगा। अमेरिका से लॉयड ऑस्टिन आए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गले लग गए, ये आप देखिए तस्वीरों में। उनके जाते ही जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस दिल्ली पहुंचे। आज उन्हीं पे फोकस करेंगे, जर्मनी पे। अमेरिका से तो बहुत बार बात हो गई है। जब लॉयड ऑस्टिन आए, पहले ऑस्टिन आए तो होता क्या है, बैकग्राउंडर देखिए, खूब बोले। भारत की सीमा में घुसने के लिए चीन को भी घेरा, चीन को उन्होंने घुड़की भी दे डाली, भारत के साथ दोस्ती मजबूत करने पर जोर दिया, सामरिक रिश्तों को नया आयाम देने की ज़रूरत बताई। एक हल्के में तो अब यह भी माना जाता है कि 2008 में मनमोहन सिंह और बुश ने परमाणु डील के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत की थी, मोदी और बाइडेन उसको परवान चढ़ा रहे हैं। इंडो पैसिफिक गलियारे में अमेरिका को चीन के खिलाफ हमारी ज़रूरत है, इसलिए अगर चीन के खिलाफ अमेरिका हमारी मदद करता है, ये कोई एहसान नहीं होगा। हालांकि बिग ब्रदर वाला दंभ जाता नहीं है आदत से, अमेरिका ऐसा एहसास कराने की कोशिश करता रहता है। ऑस्टिन ने भी किया जब अभी वो दिल्ली में थे, ये बोलकर कि गलवान घाटी के समय भारत ने हमसे मदद मांगी और हमने फौरन जो हो सकता था किया। वो शायद उस सैटेलाइट इमेजरी की तरफ इशारा कर रहे थे जो अमेरिका ने प्रोवाइड की थी कि चाइना के ट्रूप्स कहाँ पे हैं। लेकिन आज हम फोकस में रखेंगे जर्मनी पर। वेदों की सीख यूरोप में फैलाने वाले मैक्स मुलर का देश दो तरफा संबंध मजबूत बनाना चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की तरह उसका भी स्वार्थ है। हमारा 130 करोड़ लोगों का बाजार, सस्ता श्रम और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सफर इसकी जड़ में है, ये उनको पता है। ये चीज़ें भारत में हो रही है मोदी के काल में। चीन से सप्लाई लाइन अमेरिकी रिश्तों पर डिपेंड करता है यूरोप का। ऐसे में अगर भारत चीन की जगह ले ले तो यूरोप का काम आसान हो जाएगा, यानी अमेरिकी झंझट में जो उनको झेलना पड़ता है उससे भारत उनको निकाल लेगा।
अब रिश्तों की बुनियाद देखते हैं भारत और जर्मनी की, आज से नहीं सदियों पुराने हैं। कारोबार तो 16वीं सदी से चला आ रहा है, जब ऑसबर्ग और न्यूरमबर्ग की कंपनियों ने अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोजा था। जो सीमेंस कंपनी आज हम सब जानते हैं विश्व प्रसिद्ध है, उसे बनाने वाले वर्नर वोन सीमेंस ने खुद अपनी निगरानी में लंदन से कोलकाता के बीच टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी। ये बात 1870 की है। आज की बात करें तो 7 पॉइंट से हम रिश्ते समझ सकते हैं जो हाल फिलहाल की एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं दोनों देशों के बीच। पहला, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज अप्रैल 2023 यानी पिछले साल दिल्ली आए तो उनके साथ सीमेंस के सीईओ समेत नामी गिरामी कंपनियों के प्रतिनिधि भी साथ आए, वही सीमेंस जिसकी चर्चा हमने पहले की। दूसरा, दोनों देशों के बीच कारोबार लगभग 25 अरब डॉलर का है। यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी, ये सत्य है। तीसरा, पीएम मोदी और शुल्ज से पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जो हैं वो और हमारे पीएम के बीच कई बार कई मंचों पर बातचीत हो चुकी है। 2017 और 2022 में मोदी जर्मनी की यात्रा पर भी जा चुके हैं और इस बीच जयशंकर भी गए, लगातार जर्मनी भी हब बना रहा। फरवरी 2022 में बोश कंपनी जो होती है, जिसके आप आमतौर पे यहाँ पे वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर है बोश कई चीज़ों के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए, उसने 26 करोड़ डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। पांचवा, ऑटोमेटिव कंपनी वेवास्टो पुणे में 33 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। छठा, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जेडेफ फ्रेडरिक हाफेन एजी ने 22 करोड़ डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। हैदराबाद में ये कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी बना रही है। अब बारी डिफेंस की है, क्योंकि कुल मिलाकर जो देश और दुनिया की स्थिति है उसमें डिफेंस अभी बहुत महत्वपूर्ण। तो राजनाथ सिंह ने जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस को साफ साफ बता दिया है कि चीन के साथ रिश्ते का मतलब है पाकिस्तान को मजबूत बनाना, उनको आगाह कर दिया है। अगर जर्मनी कोई भी सबमरीन या डिफेंस की टेक्नोलॉजी चीन को देता है तो उसका क्रैक वर्जन इस्लामाबाद पहुंचने में देर नहीं लगेगी, उसने परमाणु बम भी वैसे ही बनाया है। पिस्टोरियस की नज़र 22,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी डील पर है, जिससे हवा और सतह दोनों पर वार हो सकता है। हम बना रहे हैं, भारत बना रहा है इसको, और इसके लिए बिड लगी हुई है कि आइए बनाइए। स्पेन की कंपनी भी है, दक्षिण कोरिया की भी है। मतलब जिस तरह यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र हमने शानदार तरीके से अपनी कूटनीतिक पोजीशनिंग रखी, उसी तरह जर्मनी के केस में भी स्टीयरिंग हमारे पास है। जर्मनी यूरोप में चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और टेक्नोलॉजी सप्लायर है, इसको हम भूल नहीं सकते। अमेरिका से भी बड़ा पार्टनर बन चुका है, इसलिए जर्मनी को अगर हमसे रिश्ते निभाने हैं तो चीन प्रेम छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी नेवी के लिए मारक पनडुब्बी बनाएं और वही तकनीक दुश्मन देश को बेच दें। तो भारत और जर्मनी के रिश्तों को हमने आज समराइज किया, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।